Assalamu alaikum guys and welcome back to another brand new video. So guys, welcome back to West Technical Studio. तो यार आज की वीडियो में एक और हम शानदार अनबॉक्सिंग लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत देर बाद लेके आ रहे हैं, आई नो, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद हम ये अनबॉक्सिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन ये अनबॉक्सिंग उतनी ही मज़ेदार है, आई कैन गारंटी यू डैट। तो यार मैंने एक नई वॉच लेनी थी, स्मार्ट वॉच, तो मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ मैंने देखा कि यार कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और वो जो स्क्वेयर बॉक्सेस जो होती हैं वॉचेस, उनसे मेरा ना दिल लूट गया हुआ था। जो स्क्वेयर टाइप जो बने होते हैं ना, स्क्वेयर बना होता है इस तरह एप्पल वॉच स्टाइल, मतलब के उससे मेरा दिल लूट चुका हुआ था। आई नीडिड समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, ठीक है। तो मैं वैसे ही एक पांडा मार्ट होता है फूड पांडा पे, पांडा मार्ट के नाम से, तो उसके अंदर ना मोबाइल एक्सेसरीज में एक थी कैटेगरी स्मार्ट वॉचेज एंड बैंड्स। मैंने कहा अच्छा चलो देखता हूँ मैं, ठीक है। फिर मुझे वहाँ पर जो है ना ये वॉच नज़र आई, हेलू LS05S या हेलू RT भी इसको बोलते हैं, दो इसके नाम है, हेलू RT या फिर हेलू LS05S, ठीक है, दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। तो मुझे ये वॉच नज़र आई सामने, तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च की कि ये ओरिजिनल प्राइस क्या है और ये कोई महंगी वगैरह कुछ नहीं। तो काफ़ी मैंने रिसर्च के बाद, घंटा दो घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये मैं वॉच ले सकता हूँ एंड ये बड़ी अच्छी वॉच भी है। अब मैंने हेलू ब्रांड की ही अपने चैनल के ऊपर LS02 जो है LS02 जो है वो भी अनबॉक्स की हुई है इस अपने में इसी चैनल पे ऊपर, और वो वॉच जो थी वो मतलब के स्क्वेयर टाइप में थी, जो कि एप्पल वॉच जैसे फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे थी। मुझे ये वॉच पसंद आने की दो वजहें थी, एक तो इसका राउंड डायल था, तो यार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, इस वॉच को लेने की मेरी दो वजूहत थी, एक था कि ये राउंड डायल है, ठीक है, और मुझे एप्पल वॉच स्टाइल से थोड़ा सा चेंज लाना था, क्योंकि उस तरह की मेरे पास दो वॉचेस थी, DTX भी थी और हेलू LS02 भी थी, तो उसको स्टाइल चेंज करने के लिए राउंड स्टाइल ये था, तो मुझे ये अच्छा लगा। और प्लस इसके अंदर अगर आप नोट करें डिज़ाइन में, तो इसके अंदर जो है ना जैसे एनालॉग में जो होती हैं यूं, ये उस स्टाइल में भी दिया गया है, मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइनिंग वगैरह साइड बॉर्डर्स पे, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगा। मतलब ये दो चीज़ें मुझे जो लाइक कह लेना कि दिल को छू जाने वाली बात, वो हो गया। मैंने जैसे ये पांडा मार्ट पे ये मैंने वॉच देखी, ये मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा यार ये तो इतनी अच्छी डिज़ाइन है, राउंड है, ऊपर से फिर ये साइड पे बॉर्डर्स भी हैं, और फिर अगर आप एक और दफ़ा नोट करें तो इसके जो वो है क्राउन है इसका, ये वाला, इसके अंदर रेड पट्टी भी आ रही है, लाइक छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आई वॉच। फिर मैंने जो है ये लेने का फैसला किया, अदा किया, ठीक है, पैसे वगैरह अरेंज किए, और पांडा मार्ट से तो आपको पता है फ़ौरन चीज़ आ जाती है लाइक 20-25 मिनट्स में, तो ये मुझे वॉच 20-25 मिनट्स में मिल गई। अब पांडा मार्ट से मेरा पहला एक्सपीरियंस था वॉच मंगवाने का, तो आई वॉज लिटल नर्वस कि यार पता नहीं सही भी आएगी या टूटी हुई हो या चले ना, लेकिन जब आया तो एवरीथिंग वो सील्ड पैक, ब्रांड न्यू थी। अब ये मैंने वॉच खोली हुई है, सेटअप भी किया हुआ है, तो सील नहीं है, बट इसके ऊपर एक शीट होती है जो कि सील होती है एक तरह की, कि ये वॉच सील्ड है, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा ठीक रह गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है मेरे पास वॉच भी आ गई बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल सही ओरिजिनल वॉच आई है। तो अब इसके हम अनबॉक्सिंग और इसकी डिटेल रिव्यू के बारे में उसके ऊपर चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। अच्छा जी, इसकी अनबॉक्सिंग के लिए जैसे मैंने हेलू LS02 की अनबॉक्सिंग की थी, उसी तरह का है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हेलू की, सारी वॉचेस के अंदर उसी तरह का ही होता है ऑलमोस्ट। ऊपर हेलो की हमारे पास ब्रांडिंग होती है जी, और नीचे हमें वॉच का इंटरफेस मिल जाता है कि वॉच दिखती कैसी है, और ये इंटरफेस है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो है, यहाँ पर डे टू डे है, यहाँ पर टाइम है, नीचे टेम्परेचर शो हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है वो हार्ट रेट हो रहा है, यहाँ पर ख्याल से कैलोरीज हैं, और यहाँ पर फुट स्टेप शो हो रहे हैं, ठीक है, राउंड डायल है, और दो यहाँ पर हमें जो है वो क्राउंस भी दिए गए हैं। साइड पे हेलू की ब्रांडिंग है दोबारा, ठीक है, इसी साइड पे भी और इस साइड पे भी हेलू की ब्रांडिंग है। पीछे आए तो पीछे हमारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं जो कि हम देख सकते हैं। अब हेलू RT है, नीचे लिखा हुआ IP68 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, ठीक है। अब ये IP68 की रेटिंग के साथ आता है। अब IP68 का ये मतलब नहीं है कि ये टोटली नॉर्मल वाटर प्रूफ है, आप इसके अंदर स्विमिंग करो जो मर्जी करो,
IP68 का मतलब ये होता है कि वाटर स्प्लैशेज वगैरह अगर बारिश में आपने पहनी हुई है तो बचत हो सकती है, ठीक है। या वाटर स्प्लैश अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कहीं से पानी एकदम गिर जाता है और आपकी वॉश पे भी वो गिरता है तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा। बट टोटली अगर इसको आप पानी में डिप करेंगे ना और रखी रखेंगे तो वो फिर जो है वो ख़राब सीन हो सकता है। बट अगर अनएक्सपेक्टेड, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बारिश आ जाती है, बाहर चल रहे हैं, तो उसके से बचत हो सकती है। फिर ऑल डे हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, अगर आप इसको अपनी ऐप से कनेक्ट करते हैं तो ये थोड़ी थोड़े टाइम बाद टाइम स्टैम्प्स पे आपका हार्ट रेट जो है ये मॉनिटर करता जाएगा, जो कि ये भी लिखा हुआ है ये हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट मॉनिटर करता जाएगा और आपको आपकी वॉच पे भी अपडेट करता जाएगा, आपकी ऐप के ऊपर भी अपडेट करता रहेगा। 12 इसके अंदर वर्का मोड्स हैं, वो हम मैं वॉच खोलूँगा तो आपको दिखाऊँगा। और TFT HD टच स्क्रीन भी मौजूद है, स्लीप मॉनिटरिंग भी है इसके अंदर, और 15 डेज की लॉन्ग बैटरी लाइफ है, जो कि ये क्लेम करते हैं, बट मैंने अभी टेस्ट नहीं किया इसको। बट ये जो क्लेम करते हैं ऑलमोस्ट उतनी ही रियलिटी होती है, 15 डेज नहीं होगा तो शायद 12 दिन या 10 दिन हो, इस तरह मतलब कि आसपास ही रियलिटी होती है। नीचे ब्रांड दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, दो नाम है, हेलू RT और हेलू LS05S। ये दोनों नाम से इस वॉच को जाना जा सकता है, या दोनों नाम इकट्ठे भी यूज़ करते हैं, जैसे हेलू LS05S-RT, इस तरह भी आप लिख सकते हो। 300 mAh, ये साथ मेरे ख्याल से चाइनीज या जापनीज लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं लग रही, बट आई सपोज दिस इज़ 300 mAh की बैटरी है इसके अंदर। सॉरी यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर बेसिक पैरामीटर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेम है हेलू RT, मॉडल हेलू LS05S, बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है, और उसके बाद वाटर एंड डस्ट प्रूफ IP68 है, और उसके बाद वर्किंग टेम्परेचर 0 degree to 40 degree। तो 40 डिग्री से कोई भी ऊपर आप अप्लाइंस लेके जाते हैं, सिर्फ ये वॉच नहीं, मोबाइल फ़ोन हो या कोई और चीज़ अप्लाइंस हो, तो 40 डिग्री से ऊपर जो है वो डेंजर जोन में आ जाती है, बैटरी फटने का जो है वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड्रॉयड 6 होना चाहिए या अबव, और IS 11 एंड अबव। पैकेज लिस्ट, पैकेज के अंदर, बॉक्स के अंदर हमें एक स्मार्ट वॉच मिलेगी, हमें एक चार्जिंग केबल और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। यही सारी डिटेल्स हैं वॉच के बारे में। अब हम इसको अनबॉक्स खोल लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हेलू की दूसरी वॉचेस में होता है, और मैंने अपने चैनल पे हेलू LS02 की भी अनबॉक्सिंग की हुई, बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। ओपन होते साथ आपको बिल्कुल सामने वॉच मिल जाती है, और वही सेम जो है इंटरफेस, स्टिकर लगा हुआ है ऊपर जो डब्बे के ऊपर था, वही सेम इंटरफेस है। इसको भी हम फिलहाल साइड पर रख लेते हैं वॉच को, और बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। इसको पैकेज को हटाएंगे तो हमें केबल मिलेगी, जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप केबल होती है, और इसके वॉच के ये जो पीछे है ये लग जाती है, और USB आप कहीं से भी कनेक्ट कर लें। वॉच के पीछे ये आप देख सकते हैं, ये सेंसर्स हैं, हार्ट रेट सेंसर भी है और बाकी भी सेंसर्स हैं, और ये जो है ये कनेक्ट यूँ हो जाता है मैग्नेटिक। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मैग्नेट मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, इम्प्रूव क्वालिटी लग रही है मुझे, और क्योंकि हेलू LS02 में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मुझे नहीं था फील होता, तो ये थोड़ी सी मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है कि हेलू ने की है। और बाकी आगे हमें बुकलेट मिल जाती है, बुकलेट के अंदर कुछ नहीं, यूज़र मैनुअल है, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया है कि किस तरह ऑपरेट करना है, लॉन्ग प्रेस ये, लॉन्ग प्रेस वो, ठीक है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से जानने का इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बहरहाल हमें जो है बताया गया कि क्या क्या चीज़ है। ये ऊपर वाला बटन पावर ऑफ और पावर ऑन है, लोअर फंक्शन बटन होता है, ये हार्ट रेट सेंसर है, ये चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी चार्जिंग वगैरह तरीका बताया हुआ है पैकेज लिस्ट में, वही वॉच, चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल। अब इन सब चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे केबल समेत, ठीक है, और हम चलते हैं अपनी वॉच की तरफ। तो ये हमारे पास वॉच आ गई है, और ज़रा मैं इसको ज़रा थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। ये आप देख सकते हैं ये वॉच है, और बड़ी अच्छी ये वॉच का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा ये वॉच का स्ट्रक्चर है और चेंज्ड है, मुझे खुद पसंद आया है। और इसके अंदर जो है ये सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, बट हाई क्वालिटी सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, और कोई इरिटेशन नहीं होती आपके रिस्ट पे पहनते हुए। ये होता है ना कि सिलिकॉन जो है अक्सर बालों पर इंटरफेयर करती है और वो इरिटेशन होती है, तो वो भी नहीं है ये चीज़। और अगर आपने चेंज करने हैं स्ट्रैप्स तो ईजीली ये रिमूव हो सकते हैं, यहाँ से स्लाइड करके ये दोनों स्ट्रैप्स रिमूव हो सकते हैं। बाकी इंटरफेस हम उतार लेते हैं इसको, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं
जैसे मैंने आपको ये नीडल्स का बताया था इंटरफेस, ये नीडल्स है, ये डिस्प्ले के अंदर नहीं है, ये वैसे ही ऐसे आपको नज़र आएगी। ये आपका ये पावर ऑन बटन है, ये वाला ऊपर वाला, और ये आपका फंक्शन बटन है। पीछे आपको मिल जाता है मैग्नेटिक चार्जर, एक हार्ट रेट सेंसर और दूसरे सेंसर्स हैं। यहाँ पर आपको जो है इनपुट दिया हुआ है और मॉडल नेम वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और बड़ा अच्छा क्वालिटी का मुझे तो स्ट्रैप लगा है, ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव किया है। अब इसको हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये वॉच हमारी ऑन हो जाएगी। इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये देख सकते हैं आप, हेलू का ब्रांडिंग आई है और ये फ़ौरन ऑन हो जाती है। अब ये मैंने चार्ज की हुई है, मुझे तो डिस्चार्ज मिली थी टोटली, ठीक है, लेकिन अब आपका मुझे नहीं पता क्या सीन क्या नहीं। और ये आप देख सकते हैं, ये भी इस वक्त कनेक्टेड नहीं है मेरे ऐप से, और बट यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले पेयर किया था तो यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह शो हो रहा है। अब यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप इसको ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, और ज़्यादा भी कर सकती हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएं, वॉच फेस है, वॉच फेस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिटेड है बट ऐप बहुत ज़्यादा है, अराउंड 100 की तादाद में है। यहाँ पर आपको जो पसंद आ रहा है वॉच फेस, आपने इसको प्रेस करना है और ये आपका वॉच फेस सेट हो जाएगा। आप क्योंकि जो ओरिजिनल वॉच फेस है वो ये है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें, टाइम, टेम्परेचर, डेट, डे, बैटरी परसेंटेज, हार्ट रेट, फुटस्टेप्स, कैलरीज सब शो हो रहा है। और यहाँ पर आपको जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है। यहाँ पर आपको फाइंड माय फ़ोन मिल जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है इस वॉच से, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा घर में आपको, तो आप यहाँ से वॉच से ये बटन दबाएंगे, आपका फ़ोन रिंग करना शुरू कर देगा। अगर इसको ही दोबारा दबाएंगे तो आपका फ़ोन रिंग स्टॉप हो जाएगा। अभी कनेक्टेड नहीं है मेरा फ़ोन, इस वजह से शो कर रहा है नॉट कनेक्टेड, ठीक हो गया जी। और यही यही पावर बटन प्रेस करते जाएंगे तो ये वापस होम पेज पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज वगैरह सब शो हो रहा है ऊपर स्लाइड करें तो। जैसे फ़ोन में हम ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमें चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह वॉच में भी है। अब हम नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ स्टैट। स्टैट से हमें ये बताएगा कि कितने स्टेप्स, कितने किलोमीटर का और कितने कैलोरीज जो हमने कर लिए हैं। और ये तभी होगा अगर आप अपनी वॉच जो है आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वॉच ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं हेलू की, और ये बीपीएम भी यहाँ से कैलकुलेट करता है। बीपीएम का ये सेंसर ऑन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको पहननी पड़ती है वॉच कैलकुलेट करने के लिए। और इसके अलावा हमें SpO2 मतलब कि हमें जो है हार्ट रेट जो है वो भी हमें पता चल जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स, वो जो स्पोर्ट्स मोड 14 मोड हैं वो ये हैं, पहला जॉगिंग का है, दूसरा फास्ट वॉकिंग है, तीसरा बाइकिंग है, फोर्थ क्लाइंबिंग है, फिर स्पिनिंग है, स्पिनिंग मतलब साइकिल जो हम चलाते हैं, जो साइकिल जो होती है वर्कआउट साइकिल, फिर हमारे पास योगा है, इंडोर रनिंग है, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग है, जिमनास्टिक्स है, बास्केटबॉल है, इंडोर रनिंग से मतलब के आपकी ट्रेडमिल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रोइंग, रोइंग से मतलब के जो आप बोट चलाते हैं पानी में वो। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं स्विमिंग का कोई मोड नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि ये स्विमिंग के लिए वॉच नहीं बनी। जो IP68 रेटिंग है आप उसको ये ना समझें कि वाटर प्रूफ है तो मैं पानी में ले जाऊँगा, वरना इधर स्विमिंग का भी मोड होता, तो स्विमिंग का मोड नहीं है यहाँ पर। ये 12 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड्स हैं 12। फिर वेदर आ जाता है, अब वेदर आपके कनेक्टिविटी पे है फ़ोन पे। अब ये इस्लामाबाद का दिखा रहा है, मैं इस्लामाबाद में हूँ तो ये मुझे इस्लामाबाद का वेदर दिखा रहा है, बट ये अपडेट होगा जब अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है आपके फ़ोन के साथ तो। फिर स्लीप है, स्लीप मॉनिटर, ये भी आप वॉच अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। नोटिस है, नोटिस भी तभी आपको आएगा, ये देख सकते हैं मुझे ये सारे नोटिसेज आए हुए हैं, पुराने नोटिसेज हैं ये, आप देख सकते हैं ये पुराने सारे नोटिसेज हैं, ये सारे पुराने नोटिसेज हैं, ठीक है, सॉरी अगर आपको मैंने थोड़ी सी वॉच नीचे रखी हुई थी, नज़र नहीं था आ रहा। ये सारे पुराने नोटिसेज हैं मेरे, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं सारे नोटिसेज को ये प्रेस करके, ठीक हो गया। इसके ऊपर स्लीप था और वेदर था, वेदर मॉनिटर, ठीक है, फिर स्लीप था, फिर म्यूज़िक सेटिंग आ जाती है। म्यूज़िक भी आप अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो तभी ये वर्कआउट करेगा। मोर में अगर आप जाते हो तो मोर में आपको स्टॉप वॉच मिल जाती है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और यहाँ से स्टॉप करके फिर रीसेट कर सकते हैं। ये आपको रनिंग में बड़ा बेनिफिट है, अगर आपने अपना टाइम नोट करना है या किसी भी चीज़ का टाइम नोट करना है तो ये आपका बेनिफिट करेगा। काउंट डाउन है, काउंट डाउन आप 10 मिनट्स का लगाना चाहते हैं तो ये 10 मिनट्स का काउंट डाउन शुरू हो गया, ठीक है। पॉज, यहाँ से आप पॉज करते हैं, ख़त्म करते हैं। मतलब क्या, आप कोई और टाइम देना चाहते हैं, 30 मिनट्स का काउंट डाउन करना चाहते हैं, 30 मिनट्स का काउंट डाउन शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी एक फीचर है। फिर फाइंड आई फोन वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया, फाइंड आई फोन नॉट कनेक्टेड। फिर ब्रेथ ट्रेनिंग आ जाती है, ब्रेथ ट्रेनिंग भी एक मोड है जिसको आप ऑन करेंगे। इसने बताया कि आप पहले रिलैक्स करें, ठीक है, फिर ये आपको बताएगा कि ब्रीथ इन करें, ठीक है, ब्रीथ इन करें, फिर आपको ये बताएगा होल्ड करें, ठीक है, फिर ब्रीथ आउट करें। ये मतलब कि एक्सरसाइज है, अगर आप करना चाहते हैं 2 मिनट्स की या 1 मिनट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सेटिंग में आ जाएं, सेटिंग में वॉच फेस ब्राइटनेस अबाउट, अबाउट में हमें वर्जन वगैरह पता चल जाएगा क्या है वॉच का, और ये भी अपडेट हो सकती है, वॉच का वर्जन जो है वो अपडेट हो जाता है अगर आपकी ऐप ने आपने अपने ऐप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको ऐप के ऊपर आ जाएगा कि वॉच वर्जन अपडेट कर लें, तो वो भी हो जाएगा। रीसेट और पावर ऑफ का बटन यहाँ पर मौजूद है। अब ये देखें, ये अब आपने कितनी भी टैब्स खोली हुई हैं, मैं यहाँ पर स्पोर्ट मोड में चला गया हूँ, ठीक है, स्पोर्ट मोड में मैं गया हूँ। इसके बाद ये टच आप समझने में ख़राब है, लेकिन ख़राब नहीं है वो, मैं स्क्रीन टू स्क्रीन देख रहा हूँ तो इस वजह से ठीक नहीं हो पा रहा। मैंने ये जॉगिंग ऑन कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने फ़ौरन फास्ट बाइक वापस होम पेज पर जाना है। ये पॉज हो गई, ठीक है, ये वर्कआउट सेव, और ये मैंने ये वाला प्रेस करते गया बटन तो वापस मैं होम पेज पर आ गया। ये फंक्शन बटन, इसे प्रेस करेंगे तो ये मोड्स खोल जाते हैं, ठीक हो गया। ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड्स खोलने के लिए ये फास्ट क्विक बटन है। अब कहते हो यार मैंने फ़ौरन स्पोर्ट्स मोड खोल लिया है, ये दबाया फ़ौरन खुल गया, ठीक है। बाकी बैटरी जो है वो 15 डेज स्टैंड बाय बैटरी थी, बट यूजेज में बैटरी कम ही है, क्योंकि अभी 40 था वीडियो रिकॉर्डिंग पर, आपको पता है स्टार्टिंग में, और अभी 36 हो गई है, क्योंकि 300 mAh बैटरी, इतनी बड़ी बैटरी तो अभी बना नहीं सकते, बट 100% होगी तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि आपने सारा दिन वॉच तो नहीं यूज़ करनी, ठीक है, मोस्टली स्टैंड बाय पे होती है, कभी कभी आप वॉच यूज़ कर लेते हो। तो ओवरऑल यार ये अच्छी वॉच है और मुझे खुद पर्सनली पसंद आई है ये वॉच, सही है। और इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा है ऐप के थ्रू, अगर आप मैं करो ऐप में आपको बता देता हूँ आपने किस तरह करनी है। बुकलेट लेंगे आप इसकी, बुकलेट, ठीक है, और बुकलेट में आपने आगे जाते जाना है, तो ये आपको ये देख सकते हैं, ये आपको इसने डाउनलोड एंड मैच, आप सिंपल प्ले स्टोर या गूगल ऐप पर जाके जो है ये आप लिख सकते हैं हेलू फन ऐप, हेलू फन ऐप लिखेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, वरना आप ये क्यूआर कोड है, ये इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, हेलू फन ऐप डाउनलोड कर लें सर्च करके, या फिर इस क्यूआर कोड को कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हैं वो आपके ऐप से कंट्रोल होने हैं, टाइम सेट, टाइम जोन वगैरह, डेट एंड डे आपके ऐप से होगा, और प्लस अगर आपने इंटरफेस चेंज करना है, यहाँ पर तो लिमिटेड इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम से इंटरफेस है, बट ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेस, एनालॉग, डिजिटल, स्पेस वगैरह सब मोड्स के आपको इंटरफेस मिल जाएंगे, और इसी को अगर आप प्रेस रखी रखेंगे तो आपको ये पावर ऑफ की भी ऑप्शन दे देगा, और आप इसको पावर ऑफ भी कर सकते हैं। ओवरऑल यार ये वॉच मुझे अच्छी लगी है, इसकी जो प्राइस इस वक्त जो मार्केट में चल रही है, अगर हम मैंने जो पाना मार्ट से मंगाया था, पाना मार्ट पे एक्चुअली ऑफ चल रहा था, तो मुझे ये वहाँ से 5300 की मिल गई वॉच, लेकिन इसकी जो अभी प्राइस चल रही है फुल प्राइस ओरिजिनल प्राइस वो इसकी 8000 चल रही है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पता कर सकते हैं, शाओमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये वॉच है, 8000 रुपीज़ की चल रही है ये, लेकिन पांडा मार्ट ने पता नहीं अपना कोई डिस्काउंट रखा हुआ था, उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था 30% कुछ इस तरह, तो मुझे 5300 की ये जो है वॉच मुझे रिसीव हुई है, तो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 8000 की वॉच मुझे 5300 में मिल गई, तो मुझे और क्या चाहिए था, पांडा मार्ट से ज़रिए मिली, जिससे ज़रिए भी मिली, मुझे तो वॉच चाहिए थी ना, तो मुझे वॉच मिल गई, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, और प्लस ये 5300 के अंदर मुझे बहुत अच्छी वॉच है, लेकिन 8000 में भी बहुत अच्छी वॉच है, इसमें बहुत और कुछ फीचर्स हैं जो कि आप ऐप से डिस्कवर कर सकते हैं,
तो आज की अनबॉक्सिंग यही थी गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह की वॉच एग्जिस्ट करती है और कितनी अच्छी है, और अगर आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे अंदाजे में मेरा डिसीजन ये है कि आप इसको ले सकते हैं, अगर आपके पास ये प्राइस बजट है तो आप इसको ज़रूर लें, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। प्लस ब्रांड की है, प्लस आपके पास वारंटी है, तो यू आर नेवर गोइंग टू गेट स्कैम्ड और डिसअपॉइंटेड। तो ये वीडियो थी, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।